छह बहनों से मिलके ना, खास तौर पे तो तुम्हारी जो वो बड़ी बहन है दा, बड़ी बहुत प्यारी खातून है, और तुम तो खैर हो ही प्यारी, अब बाकी नूर वगैरह सब, अपना मरवा सफा, मैं तो इतना खुश था। एक तो यार पता है मेरा मिजाज ज़रा दूसरा है, मैं लड़कियां जहाँ बहुत सारी होती हैं उनकी फिर शादी वादी कराओ ना तो दिल बहुत खुश होता है, और फिर तुम्हारे अब्बा का बोझ कम होता। मैं तो दो, तुम दो में से किसी एक को ना, बल्कि दोनों को ले आता मैं अपने पास, और इसको मैंने बहुत चाहा है, पागल की बच्ची को, इसको मैंने इसके स्टिकर, मतलब मैंने दुनिया में किसी की स्टिकर नहीं बनाया, खुदा की कसम, मैं इतना टाइम ही नहीं होता, चूंकि मैं कल मसरूफ़ था तो मैं इसको स्टिकर बना बना के भेज रहा था, छोटी है ना तो इसको, ताकि ये पता लगे कि भाई वो मसरूफ़ है तो वो मुझे याद रखा हुआ है उन्होंने, वो मेरे लिए स्टिकर बना के भेज, स्टिकर बना रहा हूँ मैं इसके लिए व्हाट्सएप के, और देखो ये मेरे साथ ये कर रही है। मैंने मेडिसिन ले ली हीरा, तुम बहुत प्यारी हो मेरे लिए, बहुत मैं तुम्हें कदर करता हूँ, तुम्हारी मेडिसिन मैंने ले ली है, और इसको ये बता दो कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो छोड़ दो इसे, ऐसी नहीं यार किसी बच्ची के लिए करते, मैं एक तो घराना मुतवस्सित गरीब घराना, मैं उसकी बच्ची को धोखा दे दूंगा, हाँ और प्यारी है कोई ऐसी, मतलब कोई उसमें कुछ नहीं, सिर्फ ये जो बदतमीजी गुस्सा आ गया है, किससे कर रही है गुस्से, देखो जो आदमी उसको प्यार करते हैं, और मैं तुम सब लोगों से प्यार करता हूँ, और तुम सब लोग बहुत प्यारी हो, मतलब ये कि सब अच्छी हो, खूबसूरत हो, प्यारियाँ हो, अब ये नसीब नसीब की बात होती है, लेकिन ये कि बस इसको कहे ना कोई तुम्हें नहीं छोड़ रहा कोई तुम्हें, और इसने तो मेरी मेरी दोनों बीवियों में से अच्छा सुलूक लिया, अब क्या ये भी ये करेगी, मैं ये कहता हूँ बस। वैसे भी तुम लोग ठीक है गुर्बत में हो, लेकिन तुम लोग कमज़र्फ़ नहीं हो, आला ज़र्फ़ लोग हो, उस दिन मैंने आके देखा तुम्हारे बाप को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारा बाप बहुत प्यारा आदमी है, और तुम्हारी माँ तो खैर हम तो उनके पाँव भी पकड़ने तो कम है, देखो हमारी तो ये आजिज़ी है, हम कोई फेमस ये थोड़ी है, ये क्या चीज़ है, तुम हमारी बहनें हो, हम तो तुम लोग तुम लोगों को इज्जत दें, बहनों को इज्जत देते हैं उनके भाई उनको जूतियाँ पहनाकर, ये थोड़ी होता है कि मतलब ये कि इसको समझाओ कि मैं कितनी सोच अच्छी, क्या क्या चीज़ है मेरे, मेरा इतना खून भाई है मेरा, ये पढ़ पढ़ के मुझे आज तक इस तरह किसी ने लिखा नहीं, तुम समझ सकती हो मेरी मेरी ताकत, मेरी पावर, मेरा सब कुछ, मेरे आगे को बात नहीं करते इतनी, पता नहीं क्या क्या लिखा है इसने, लेकिन इसी को ये था कि ये लिख सकती थी, लेकिन बस समझाओ ऐसे ऐसे मैं एक्सप्रेस न्यूज़ की थी, और अमर ने वहाँ पे मुझ मेरे दोनों मोबाइल छीन लिए और मुझसे बदतमीजी की, गालियाँ दी मुझे, तो एक्सप्रेस न्यूज़ से मैंने बंद करवाना है। मेरा आमिर से कोई रिश्ता नहीं है, मैं बाइज्जत तरीके से ये केस जीत चुकी हूँ और आमिर से ले चुकी हूँ डिवोर्स। तो आमिर ने दो दिन से मुझे बंद किया हुआ था थाने में, और मैंने उस थाने में इतना उन थाने वालों को तंग किया, इतना तंग किया कि उन्होंने मुझे इंसाफ किया, बलोचलोनी में ये केस चल रहा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह जिसे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त थी, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, किसी बंदे की नहीं होती। सो हानिया को इज़्ज़त मिली, इंसाफ मिल गया, तो हानिया बहुत खुश है कि अब हानिया आज़ाद है। अब उसके मैंने जब कल परसों जब उसने मुझे मैं वहाँ पर हंगामा खड़ी थी, इसने भेज दिया अब गुंडू को, उसने मेरे पेट में टांगे मारी, मोबाइल दोनों छीन लिए मुझसे, मेरे पैसे निकाल लिए, मेरे सारे कपड़े निकाल लिए, चीज़ें रख ली सारी, और बदतमीजी की हाई किस्म की गंदी वर्ड सी उसकी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इंसाफ पे थी, मैंने निकाह किया था एक्सप्रेस से, तो मैंने कहा था वहाँ पर मुझे चाहिए इंसाफ, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो मैंने कोर्ट की, पहले इन लोगों ने जो एफ आई आर करवाई थी बुलाई तो पुलिस वाले उनकी गले पड़ गई, मैंने इतना हंगामा किया वहाँ पर, मैंने इसके खिलाफ एफ आई आर करवाई और मैं कोर्ट में गई, मैं वहाँ पर जब मैंने जाके मेरी DNA हुआ और पता चला कि मेरे स्क्रैच हुआ हुआ है, उससे जब जज ने मेरी हालत देखी तो जज ने कहा कि ठीक है तुम आज से आज़ाद हो ना तो माँ बाप के साथ होगी ना इसके साथ होगी, क्योंकि तो माँ बाप के साथ भी नहीं मैं रहना चाहती, उससे मैं आज़ाद मैं आज़ादी से रहना चाहती हूँ, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, कोई मेरी मदद नहीं आया, हानिया ने खुद अकेले अपनी जंग लड़ी है, तो आज से हानिया आज़ाद है। फ्रेंड मैंने इससे तो मेरा पूछता नहीं, उसने कहा था तूबा तूबा तूबा, तो अब वो तूबा के ले जाते, यहाँ पे रह रही हूँ गेस्ट हाउस में रह रही हूँ, उन्होंने रात को ही रात से ही रहनी तो उन्होंने यहाँ पे नर्सरी वाले गेस्ट हाउस में भेजा इस गेस्ट हाउस में, पे भी वो खुद ही करेगा, मैं तो नहीं करूँ, मेरे मोबाइल जो लिए उस हमें इज्जत से मुझे वापस कर दो, और आप मेरे तुम्हारे प्लीज रिश्ता नहीं है, और इसने गालियाँ दी थी मुझे लाइव शो में, तो प्राइमरा को मैं कर रही हूँ शिकायत, एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस टीवी बंद होना चाहिए, और जितने आप लोग मैं जितने भी लोग फ़ैन हैं जो मेरे साथ हैं जो मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों से अपील करूंगी कि प्लीज़ आप प्राइमरा को शिकायत कीजिए और एक्सप्रेस न्यूज़ उसको बंद कीजिए, और आज मैं करूँगी प्रेस क्लब, जो उसने मीडिया वालों को रोका था बदतमीजी की थी,
मेरा मोबाइल छीन लिया, सिर्फ मैंने फेसबुक पे ना किसी के ये जो पोस्ट है यहाँ पे है उससे लेके मोबाइल मैंने उस पर ऑन किया। ये मोबाइल आमिर के पास था, मेरा नंबर बंद है ना, मैं तो उसके खिलाफ बोलूँगी, मैं तो चुप नहीं रहता, मैं तो बोलूँगी इंसाफ के लिए, मैं उर्दू के हक के लिए बोलूँ, गलत काम नहीं कर। अल्हम्दुलिल्लाह बाइज ने किसी हानियाँ होगी अब बड़ी परेशान हूँ, मुझे झूठे बजाम ले आपकी तो बेटी है लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं आनिया का अबू बात कर रहा हूँ। आनिया ने जो बात की है, जो कह रही है डॉक्टर अमर लियाकत से मैंने निकाह की है, कोई निकाह नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई पता नहीं इसका। हमारे घर वो आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की थी आगे, तो आगे वापस चले गए थे। अभी जो है कि वो जिस तरह कर रही है, सबको पता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, सख्त डिप्रेशन का शिकार है। तो अभी मैं कराची आई थी, कराची से अभी मैं उसे वापस लेके जा रहा हूँ। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि कोई भी इनका जो है ना, इन पे ऐसी बात ना करे कि जो इनके नाम पे हरफ आए, कोई ऐसा हरफ आए। तो मैं इनसे भी मदद चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी, कि जो उनके साथ उसने किया है, मैं उसकी तरफ से मदद चाहता हूँ। कोई निकाह नहीं हुआ, कोई हमें पता नहीं है, नहीं तो निकाह हो तो माँ बाप को तो कम से कम पता होता है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी माजर चाहता हूँ, जो कुछ इसने किया है उसके लिए मैं माजर चाहता हूँ। बहुत मेहरबानी है।